Mujumdar sir? Can you hear me? Yes sir. Yes sir, we can. Yeah. Myself, I am Mr. Sudhir Mujumdar. I am working in the tea industry for the last 21 years as a production manager. I am staying in Siliguri, which is under the district of Darjeeling district, and it is under the West Bengal state of West Bengal. For the last 21 years of experience in the tea industries, I have learned many things regarding the production, plantations, and mainly sales and marketing itself. So my feelings and experience I will share with you today in the webinar. Hope it will be very fruitful to all of you. And if there will be any doubts to you, please at the end of the webinar, you can ask me freely to me. Okay, sir. Sure. So now the question is, our sales and the marketing is the two main pillar of any organization. Without sales and without marketing, no organization can survive. So first of all, we have to understand what is the motto of sales and marketing. It generates the profit, it generates the growth, and sometimes maybe possible it runs on loss also. So sales and marketing is the main pillar of the organizations or any company or any business itself like that. So now we are going to discuss about the understanding of the market. अभी क्या है कि जो sales और marketing it is related with the market. और अगर इसमें हम लोग if we are unable to understand the market strategy, the market situation, then how we are going to sell a product, how we can set up an organization, what will be its future, what will be its prospect, what will be its infrastructure. तो अगर जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि मार्केटिंग क्या चीज है, व्हाट इज मार्केटिंग, और मार्केटिंग करने से पहले उसको जानना पड़ेगा कि मार्केटिंग का सिनेरियो क्या है, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग क्या है, या आप कौन सा पोजीशन में इसको मार्केटिंग कर रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी सेल्स यू हैव टू नो द मार्केट पॉलिसी, मार्केट सिनेरियो, मार्केटिंग स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स टू द मार्केट. सो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट throughout the scenario of the total thing, you have to understand some specific point. If you are like to understand the specific point of a market, then you could go for a selling. So before selling, you have to know the market policy, something like that. If as an example, हम लोग अगर ये ले लेंगे कि हम लोग को कोई माल बेचना है, तो बेचने से पहले आपको मार्केट में जानना जरूरी है कि आपका मार्केटिंग में जो सिनेरियो है, आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है किस रीजन में, वहाँ का एरिया क्या है, उस एरिया का रीजन में जो जो लोग रहता है उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसमें ज़्यादातर कितने % का लोग गरीबी में सीमा के नीचे है, मध्यम वर्गीय है, उच्च वर्गीय है, कौन सा क्षेत्र का आदमी है. उस प्रोडक्ट्स को हम जो यहाँ पे लॉन्च करेंगे, उस प्रोडक्ट्स वहाँ पे चलेगा, आइदर इट विल बी अवेलेबल ओवर देयर, दे विल बी एबल टू परचेस और नॉट. ये सारा चीज आपको देखना है कि मुझे यहाँ पे जो चीज मुझे वहाँ पे देना है उसका स्ट्रेटेजी क्या है, आइदर दे कैन बी अफोर्ड द प्रोडक्ट और नॉट. सेकेंड पार्ट इज क्या कि जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, बिफोर दैट कि मार्केटिंग में आपको देखेंगे जो 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 मेरा प्रोडक्ट्स मैं जिस एरिया में लॉन्च करूंगा उस एरिया में मेरा जो प्रोडक्ट्स है उसका सिमिलरिटी कोई प्रोडक्ट्स वहाँ पे है कि नहीं है, और अगर प्रोडक्ट्स है तो वो कैसे चल रहा है, उसका प्रोडक्ट्स का फीचर्स क्या है, उसका प्रोजेक्ट का रिजॉल्विंग क्या है, उसका प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है, उस पर प्रोडक्ट्स का जो पीपल्स थे उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है. तो मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, और मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थ्रू आउट द टाइम बिफोर सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. और मार्केट जो जिसको अच्छे सही तरीके से मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे इट विल बी बिकम फेल. और अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अगर आप फेल हो जाते हैं, मार्केट अगर पकड़ने नहीं सकेंगे, then your organization will run in loss. Because मैंने पहले ही ये बात बताया, before starting it, I told you, marketing and sales, these are the two main pillar of marketing. उसके बाद हम लोग आते हैं और एक चीज में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेटेड पार्ट है, सेल्स से जुड़ी हुई मामला है, वो है कि हम लोग तो सेल्स तो करते हैं, लेकिन हम लोग को कम्युनिकेट करना नहीं आता. अगर आप सेल्स करेंगे, इट्स वेरी एसेंशियल टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल. मुझे मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, मार्केटिंग मैंने स्ट्रेटेजी कर लिया, मार्केट को मैंने उसका सिनॉप्सिस ले लिया, मार्केट का मैंने जितना भी जानकारी लेना था वो मैंने ले लिया. लेकिन मार्केटिंग करने से तो सिर्फ नहीं होगा, मार्केट में जाने के बाद आपको तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा कि मैं हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, उससे कम्युनिकेट कैसे मैं करूं, सो दैट कि मैं जो भी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा वो जल्द से जल्द बेचे, जल्द से जल्द मूव करे और कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो जाए. तो इसका लिए कि जो कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेशन स्किल with the people, with the customer, with the buyer. Like, अगर आप ये सेल्स करना चाहते हैं, और इस सेल्स का भी बहुत सारा माध्यम है, पहले वो माध्यम को जानना जरूरी है कि मैं किस माध्यम से कम्युनिकेट करूंगा सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए. वो माध्यम पहले जानना बहुत जरूरी है. एक चीज है जो फेस टू फेस सेल होता है, लाइक यू आर सेलिंग समथिंग एल्स, सिटिंग और स्टैंडिंग फेस टू फेस टू ए कस्टमर. दूसरा माध्यम है कि यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट ऑन ए ऑनलाइन बेसिस यूजिंग द डिजिटल मार्केट. और तीसरा और एक चीज है जो है टेली सेल्स, लाइक पीपल आर कॉलिंग समवन एल्स ओवर फोन एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस बाय ओवर फोन. दिस इज ऑल्सो ए सेल्स मोड ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं टेली सेल्स. तो आपने जो सेल्स का तो माध्यम आपको पता हो गया, यू नो अबाउट द सिस्टम्स ऑफ सेलिंग, बट यू डोंट हैव द प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल. उस स्किल को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? व्हेन यू आर पिचिंग समथिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग विद द कस्टमर और बायर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग बिफोर यू टेलिंग टू ए कस्टमर और बायर. आपको उनसे सुनना है पहले, ये नहीं है कि आपको बोलना है. यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बट लेट देम टू से समथिंग यू, और उनका बात को आपको सुनना है, बिकॉज लिसनिंग से यू कैन सेल मोर प्रोडक्ट. बोलने से बड़ा नहीं होता. एक बात कहावत है, आप लोगों को सुना होगा कि जो आदमी बोलता ज्यादा है इसका मतलब वो नहीं बड़ा है, सुनने वाला भी बड़ा होता है. अगर आप सुनेंगे तो आप उनसे जान सकेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका समस्या से जुड़ी हुई क्या समाधान है, उनको क्या चीज पीच करना है, क्या नहीं करना है, उसका पोजीशनिंग क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका कैपेबिलिटी ऑफ परचेसिंग क्या है, उसका अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या है. ये सारा चीज आप जानने सकेंगे जब आप सुनेंगे. नेक्स्ट क्या है? एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब क्या है कि आप जो भी मुद्दा एक बायर और एक कस्टमर के सामने प्लेस करेंगे उसके साथ आप सहमत पोषण करेंगे. मतलब आपके बारे में जो आप मैंने आपको जो मैंने बताया उसके साथ आप सहमत कितना दूरी तक है. इसके लिए आपको नोडिंग हेड करना पड़ेगा. नोडिंग हेड मतलब आपको सर थोड़ा बीच बीच में झुकाना पड़ेगा, सो दैट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग और सिटिंग बिहाइंड यू, वो आप जानेगा कि आप उससे कितना दूर तक सहमत है कि नहीं है. उसके बाद आपको जानना पड़ेगा प्रॉबिंग, लाइक आस्किंग. जब तक आप कोई भी कस्टमर या बायर को कुछ पूछेंगे नहीं तब तक आप नहीं जान सकेगा कोई बायर या कस्टमर कि आपके बाद आपके पास कोई क्वेरी है कि नहीं. अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो अगला जो बैठे रहेगा कस्टमर और बायर, वो सोचेगा कि बंदा तो मेरे सामने आया, वो मुझे कुछ पूछा ही नहीं है, मेरा क्या समस्या, मैंने उसको सब बताया, बट ही इज हैविंग नो इंटरेस्ट in asking of that or to stop or resolve the matter, the problem that I am facing right now. So asking is very important part of a selling any products in front of a buyer or a customer. और अगर आप सुनेंगे तो उसका solution भी you have to give the proper solution. So these are the matter like how you communicate with the people. And at the time of the communicating with the people, buyer or customer, you have to communicate with them with this motto, not to sell any products to a buyer or a customer. In that point of view कि आप उनको help करना चाहता है, आप कोई product उनको बेचते नहीं है। अगर आप बेचने का बात करेंगे, अगर आप sell करने का बात कहेंगे उनसे, so he will not be agree to purchase anything. But you are telling that I am over here, I am here only for helping to you because no one is. ये कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि कोई भी आदमी आया और कोई चीज देखे आप उसके मोटो जान जाएंगे ये बेचने के लिए आदमी आया. बट इफ समवन इज फीलिंग लाइक दैट कि पर्सन केम टू मी इन ऑर्डर टू हेल्प मी, तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल में आता है कि आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है. कुछ जो कॉमन फैक्टर जो है दैट इज रिलेटेड विद द टाइम ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर और कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, उसमें क्या है कि आप उनका पुराना वाला प्रॉब्लम को जाने या तो फिर उनको उनका गोल अचीव करवा दे. आपका प्रॉब्लम जानना जरूरी है. अगर जब तक आप प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तब तक आप उसका गोल को अचीव नहीं करने सकेंगे. और कुछ जो बहुत ही जरूरी है कि आप जब तक उसका जो हेल्प है, आप जो हेल्प के उद्देश्य में उनके पास गए हैं कि आई वांट टू हेल्प यू, एट लास्टली यू हैव टू कन्वर्ट योर हेल्प इनटू ए डील. आप उनका आप जो हेल्प उनको करने जा रहे हैं, यू शुड बी कन्वर्टेड द पर्टिकुलर हेल्प इनटू नीड, एंड व्हेन द नीड यू विल जनरेट डेफिनेटली योर प्रोडक्ट विल बी पुश्ड. बहुत सारे चीज और भी है कि आपको ये भी जानना है कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा कि आपको की डिसीजन मेकर भी कौन है. लाइक आप इफ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल विद द पीपल और द बायर और द कस्टमर, बट यू डोंट नो हु इज द की डिसीजन मेकर. आपके पास ये पता ही नहीं है कि कौन खरीदना चाहता है और कौन नहीं. आपने 10 आदमी के सामने खड़ा हो गया, बट यू डोंट हैव टू फाइंड आउट कि किसके पास वो पावर है कि खरीदना चाहता है. क्या है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, उसका फादर भी है, उसका मदर भी है, बच्चा भी है, बट यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द हु एक्चुअल द की डिसीजन मेकर. You should have a good communication skill to find out the who is the key decision maker. Because if you are unable to find out the key decision maker, then it means you have the probable chances to push your product, to sell your products, to help the customer. And lastly, not the least, but at least last, कि बहुत सारे customer है. This is also a part of communications. कि आपको ये पता चलना चाहिए कि this is the पीपल उनके पास पैसा है कि नहीं है. बिकॉज यू आर द अनक्लियर बजट, यू डोंट नो. आपके पास ये पता ही नहीं है कि उनके पास बजट कितना है कि नहीं है. यू आर इन क्वाइट डाउट. किसी के पास में पैसा ज्यादा होता है और इच्छा भी ज्यादा होता है, तो उसके कस्टमर तो इज वेरी इजी टू डील विद देम. किसी कस्टमर के पास ऐसा होता है कि पैसा है लेकिन इच्छा नहीं है, सो यू हैव टू डील इन दैट वे. किसी के पास में तो पैसा भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, तो उनको छोड़ ही दो. उनको मोटिवेट करने के भी लाभ नहीं है, उनसे बात करने के भी लाभ नहीं है. और एक कस्टमर है जिसके पास में पैसा तो नहीं है, बहुत सारा इच्छा है, he is having lot of willingness but don't have money. So उसके लिए आपको बात करने का तरीका भी अलग होना चाहिए. So these are the things that is related with the communication skill. If you have communication skill, good communication skill, then at the time of selling any product, something like that, or throughout the India, throughout the whole over India, sales is a very easy thing if you develop your communication skill. Now, I am telling you about something different, which is not related with the sales and marketing. This is very going to be interesting. Some myths are there, as you know. What are the myths are there? So, बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलते हैं. हम लोग भी जानते हैं कि मीट्स का मतलब क्या है. मीट्स इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मार्केटिंग एंड सेल्स. उसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज ऐसे हैं जैसे कि आपको बताएं कि इट्स द नंबर ऑफ गेम. मीट इज अ नंबर ऑफ गेम. अब नंबर ऑफ गेम के मतलब से सेल्स से क्या ताल्लुका है? अब देखिएगा कि सेल्स में हमेशा एक नंबर का बात आता है. कैसे नंबर का बात आता है कि कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कस्टमर से मिले, कितना कस्टमर रिजेक्ट किया, इस महीने का रेवेन्यू कितना आया. तो दीज आर ऑल आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ गेम। और एक चीज क्या है सेल्स में मीथ, वो है लाइंग। ऐसा नहीं कि ये सेल्स से रिलेटेड चीज जो है वो सारा चीज हमेशा सब लोग सच बोलते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। इन सेल्स यू हैव टू स्पीक समटाइम्स सम लाई इन ऑर्डर टू गेट योर इन ऑर्डर टू लाइक अचीव योर गोल। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मीथ। और एक चीज है दैट इज डेड गेम। बहुत सारा आदमी बोलता है सेल्स ऐसा चीज है अगर करेंगे तो ठीक है और अगर नहीं करेंगे तब तो डूब जाएंगे। दिस इज अ वेरी डेड गेम। बट बिलीव मी सेल्स इज सच ए फैक्टर कि इस सेल्स से बदल सकता है बहुत सारा आदमी का जीवन। इनकम जनरेट हो सकता है, सोशल स्टेटस बढ़ सकता है, आपका जिंदगी बदल सकता है ये सेल्स से। लेकिन आदमी लोग सेल्स को बहुत कठिन मानता है, इसीलिए बोलता है कि ये डेड गेम है, होने से तो अच्छा है लेकिन नहीं होने से तो बर्बाद हो जाएगा। दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग एक तरह का मीट बता सकते हैं। इसमें एक चीज है ये, इसमें टॉकिंग फास्ट होना पड़ता है। दिस इज वन काइंड ऑफ मीट। लाइक दोज पीपल आर रिलेटेड विद द सेल्स एंड मार्केटिंग, दे टॉक वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट। दिस इज वन काइंड ऑफ मीट। इसमें भी एक है कि पुराने जमाने से ऐसा चलता आ रहा है कि ये आदमी लोग बहुत सारा बात करता है, सेल्स से जुड़े हुए आदमी बहुत बात करता है। दिस इज वन काइंड ऑफ मीथ रिगार्डिंग सेल्स एंड मार्केटिंग। और चीज क्या है इसमें मनी अप्स एंड डाउन्स होता है। सेल्स बढ़ा तो मनी अप हो गया, सेल्स डाउन हो गया तो मनी घट गया। तो इसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स होता है। सेल्स में एक्सपर्टाइज होता है, सेल्स में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस जनरेट होता है। इसमें क्या होता है सीखना बहुत पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने सेल्स कर दिया, इस साल आपने सेल्स बहुत अचीव कर दिया लेकिन अगले साल आपने सेल्स नीचे आ गया, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्टाइजिंग ऑल ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस। वंस यू स्टॉप द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग योर लाइक चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग हाई प्रॉफिट विल बिकम डाउन। ये हार्ड वर्किंग है। दोज पीपल थिंकिंग इज वेरी इजी टू सेल अ प्रोडक्ट to gain a good future in sales. It's not like that. It's a very hard working. Those people are giving their full effort. Those people are giving a full hard work to their sales and to their motto. उनका उसका ऐसा नहीं होता है कि वो failure हो जाए। Hello. तो इसमें क्या है ना जो सेल्स में ये जुड़ा हुआ कुछ myth है। उसके बाद क्या है कि हम लोग सेल्स तो करते हैं, मार्केटिंग तो करते हैं, बट उसका माध्यम क्या है, बहुत सारा जरिया क्या है जो सेल्स से जुड़ी हुए माध्यम क्या है जो पॉपुलर है, इस माध्यम से सेल होता है, इस माध्यम से सेल होता है। देखिएगा रास्ता का दोनों साइड में दुकान है तो ये भी एक माध्यम है सेल का कि दुकान खोल के सेल करें, डोर टू डोर सेलिंग ये भी एक सेल है, घर घर में जाके सेल करें। मेला लगा दिया वो भी एक माध्यम है सेल का कि यहाँ पे मेला लग गया। फिर क्या होगा कहीं पे आपने एक्सपो लगा दिया, वहां पे भी माध्यम है सेल है कि यहाँ पे भी एक बहुत सारा आदमी का भीड़ हो गया, 2000 लोग जमा हो गए और वहां पे भी सेल हो रहा है। तो सेल तो बहुत सारा है, ये तो पॉपुलर मेथड ऑफ सेलिंग है कि आपने किस माध्यम से सेल किया। बट आउट नाउ इट इज इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, दिस इज वेरी पॉपुलर वे ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स नाउअडेज बिकॉज वी आर इन द डिजिटल मार्केटिंग का युग है। तो हम लोग डिजिटल मार्केट की यूज करके हम लोग सेल कर रहे हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स करना और बाकी जो माध्यम है ना आप लोग बताया कि घर में जाके सेल्स करना, डायरेक्ट सेलिंग डोर टू डोर, जैसे कि रास्ता के दोनों साइड में सेल करने का बात मैंने बोला, मैंने मेला का बात बोला, मैंने एक्सपो का बात बोला, मैंने एक्सपो का बात किया, बहुत सारा माध्यम है। वो तो फेस टू फेस हो रहा है, फिजिकली सामने सामने सेलिंग हो रहा है। बट डिजिटल मार्केटिंग उससे थोड़ा ऊपर है, इट इज वेरी इजियर कंपेयर टू दिस फिजिकल मार्केटिंग लाइक दैट डोर टू डोर सेलिंग, शॉप सेलिंग, लाइक एक्सपो सेलिंग, लेक्सपो सेलिंग और मेला, इस सब का जो सेलिंग है उससे बहुत ही इजियर वे से डिजिटल मार्केटिंग यू कैन sell it. But people are like it, they don't have any time to go market, don't have any much time कि वो मेला में जाएगा, वो कोई सेमिनार में गया, वो कोई दुकान में गया, ऐसा आदमी लोग के पास में भी बहुत सारा सामान है. दे आर यूजिंग देयर डिजिटल मार्केटिंग इन ऑर्डर टू परचेज द सेल्स. अभी देखिएगा अपने कि डिजिटल मार्केट की यूज करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन कितना सारा सेल कर रहे हैं. दिस इज वेरी पॉपुलर साइट थ्रू आउट द ग्लोबल, थ्रू आउट द होल वर्ल्ड. पीपल यूजिंग दिस अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड दीज एंड ऑल मेनी websites are there, people buying their products by using this internet digital marketing. So आपको ये नहीं करना है कि मैं कौन सा माध्यम से सेल करूंगा, जितना भी जो भी मार्केटिंग मतलब माध्यम से आप सेल करें, आपको मोटो होना चाहिए कि जो भी माध्यम आप यूज करेंगे उसमें यूनिक होना चाहिए. कि आपने माध्यम किया कि आपने पिचिंग करेंगे सामने, तो उसका मेथड अलग होगा. आप डोर डोर में जाएंगे, किसी रिश्तेदार से बात करेंगे, किसी कॉलीग से बात करेंगे, सो दैट इज यूर पिचिंग डायरेक्टली कस्टमर. सो योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, वे ऑफ ब्रीफिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, वे ऑफ ब्रीफिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ योर प्रोडक्ट्स, इट विल बी डिफरेंट लाइक दैट. आपका प्रेजेंटेशन अलग होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, बिकॉज यू आर लाइक सेलिंग अ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली standing or sitting before a customer. But अभी आप अगर जब मेला में जाएंगे या कोई भी सेमिनार में जाएंगे या फिर कोई गैदरिंग में जाएंगे, कोई एक्सपो पे जाएंगे, तो वहां पे आपको इसका सेलिंग का माध्यम ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दैट आर द डिफरेंट थिंग्स. उससे पहले उसका मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए. आप देखेंगे कि कहीं पे कोई अगर ऐसा लगा हुआ है कि मेला लग गया है या फिर कोई एक्सपो लग गया, ये एक्सपो लग गया, वहां पे सेल्स से ज्यादा महत्व दिया जाता है मार्केटिंग के ऊपर, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग वहां पे सेल्स बहुत मुश्किल हो जाता है. वहां पे मार्केटिंग का बहुत जरूरी है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेला और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपो इट शुड बी मार्केटिंग एवरीवेयर एल्स. अगर आपने वहां पे बढ़िया से मार्केटिंग नहीं किया तो आपका सेल्स कभी भी नहीं बढ़ सकता, बिकॉज पीपल हैज कम टू देयर डायरेक्टली ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस एंड उसको वही टाइम पे आने के बाद में आपको पता चला ये फलना है, ये चीज है और ये चीज है, और उतना टाइम के आप में आपको वो ही स्टॉल का आदमी आपको कितना ब्रीफ कराने सकेगा. आप वो स्टॉल के सामने 2 मिनट 2-4 मिनट रहेंगे, उतना टाइम में आपने क्या ब्रीफ करेंगे. तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपका मार्केटिंग जबरदस्त होना चाहिए. कि मार्केटिंग अगर सही रहेगा तो ही आपका स्टॉल से माल बहुत सारा पुश हो जाएगा, बहुत सारा बेचेगा. लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं रहेगा अच्छा तो आपका सेल नहीं होगा. समथिंग लाइक दैट डिजिटल मार्केटिंग में भी वैसे ही होता है. अगर डिजिटल मार्केटिंग आपका सही नहीं है, आपका मार्केटिंग सही नहीं रहेगा, तो पीपल विल नेवर विजिट योर वेबसाइट. अगर बायर आपका वेबसाइट बढ़िया से विजिट नहीं करता है और विजिट करने के दौरान आपका प्रोडक्ट का सही एनालिसिस नहीं है, सही फ्यूचर नहीं है, उसका सही प्राइस नहीं है, उसका सही माने फीचर्स के साथ में उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, उसके बारे में आपको कोई जानने का दरकार होने से 1 क्लिक में अगर वो डिस्प्ले नहीं होता है तो आपका प्रोडक्ट कभी बेचेगा ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग इज वेरी वीक. तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग होना पड़ता है, तो ही जाके डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आदमी परचेज ज्यादा करता है. बट अगर आप सामना सामनी कोई किसी को पिचिंग कर रहे हैं, so you are dealing with the customer sitting or in front behind him, at that time your communication skill, your presence of mind, your ability of throwing in a speech regarding your products, regarding your company, regarding the features of the products, regarding the utility of the product, useful of the products, negativity, positivity about the products, you will have to explain in a very good way. Otherwise you will not be able to sell a single product to a customer. So these are the methods of the selling. Nowadays, I am sharing with some interesting points regarding the popular ways of making sales. कि आपको शायद ये पता होगा कि sales जो generate होता है, वो तो माध्यम मैंने आपको कई सारा बताया. But nowadays, sales को generate करवा रहा है इस बहुत सारा माध्यम के द्वारा होते हुए भी most of the organization, they are using digital marketing. और digital marketing में जिसको concept होगा कि मुझे digital marketing के द्वारा कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, उनके लिए जो है कि पीपल शुड विजिट द वेबसाइट। आप तो किसी कस्टमर के साथ डायरेक्ट पिचिंग कर सकते हैं, आपका रिलेटिव हो, कॉलीग हो, मोहल्ले का दोस्त लोग हो, उसके साथ में तो आप डीलिंग कर लेंगे, बट आप कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे करेंगे? जोज हु आर विजिटिंग योर वेबसाइट। इन ऑर्डर टू नो द डिजिटल मार्केटिंग, बिफोर स्टार्टिंग द डिजिटल मार्केटिंग, यू डू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू इम्प्रूव द एसईओ, हाउ टू इम्प्रूव द domain of the company, because domain is a such kind of thing. People should know that what is domain. Like that, I am giving you an example of domain, like www.amazon.com. How you come to know? Because using of internet. अब सारा दुनिया को ये पता है कि what is Amazon is doing, what is Flipkart is doing. www.flipkart.com. Everybody knows it. You know about Zomato. You know about Swiggy. You know all about this organization, and clicking on the Google like Amazon and Flipkart, people come to know what is the organization future, what are the products availability as are there, how you can purchase products from this website, something like that. Key domains, using the domains is very useful criteria in order to use the डिजिटल मार्केटिंग। अब जिसको इसके बारे में पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं किसी क्यों यूज करूं, पीपल आर हायरिंग लाइक वेब डेवलपर। व्हाई दे आर हायरिंग वेब डेवलपर? बिकॉज इन ऑर्डर टू दैट, व्हेन द पीपल विल बी विजिट इन द वेबसाइट, फर्स्टली माय कंपनी विल कम फास्ट, समथिंग लाइक दैट वे अ वेब डेवलपर इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन। If your domain is not working full phasely, your digital marketing work will not be successful ever. Because of that, Amazon and Flipkart, these are the most useful app market policy they are using. Because of that, every house members, they are purchasing their essential goods, like something like that, fruits, groceries, electronics item, clothes, whatever it is, they are purchasing by the use of Flipkart and Amazon. But why it is that? Because it is known to everybody else what is Flipkart and what is Amazon. Something like that, the products you are dealing with their daily life, something like that people are using their daily life. Ki what are the products you are having right now? Ki main to subscribe kar chuka hu. संस्था में ज्वाइन करने के बाद में मेरा ये क्या मोटो है कि मेरे पास में वो क्या चीज है जो मैं बेचूंगा, उसके बारे में मुझे जानकारी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट विद हूम यू आर डीलिंग विद एवरी डे, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल टाइप, द वेरी फैंटास्टिक एंड यूनिक प्रोडक्ट यूनिवर्सल टाइप्स हैविंग। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, लाइक व्हाट इज दिस यूनिकनेस, what are the features, what are the criteria, what benefits you can get from this type of products. About all things related with the products, you should have a good knowledge regarding the products. अगर आपके पास products के संबंध में आपके पास में अच्छा जानकारी नहीं होगी, so how you will go to communicate with the people, how you can pitch in front of the people, how you can brief the utility of the these or that or something like that in front of the buyer or the seller. So माध्यम तो बहुत सारा है कि मैंने people के साथ में communicate कैसे करेंगे, उसका माध्यम बहुत सारा माध्यम क्या है कि उसके साथ में हम जुड़ेंगे कैसे कस्टमर के साथ में, उसके साथ में हम कस्टमर के साथ में बात। सबसे ज्यादा मुझे अहमियत इस बात का लगता है, देखिएगा कि जो बंदा सेल्स के मामले में बहुत सारा को मेंटेन कर सकता है, इफ यू आर मेकिंग ए रिलेशन विद अ कस्टमर, योर सेल विल बी गो हायर, इट्स श्योर एंड शॉर्ट, बिकॉज if you can able to make or build a relation with any customer, he will be attached to you and he will not be able to say you no, because relation is such a fact कि sometimes ये आता है कि बहुत काम में लगता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रेफरल कस्टमर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल मेथड ऑफ रेफरल कस्टमर। आपको रेफरल कस्टमर के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरल कस्टमर। लाइक आप किसी बंदे के पास गए हैं, आपने पिच किया, आपका प्रोडक्ट बेचा नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, योर मोटो नॉट टू सेल ए प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि योर मोटो इज नॉट टू सेल ए प्रोडक्ट, यू शुड गो to talk with the people in order to give him help. But आपको रेफरल कस्टमर भी जानना चाहिए कि what is the meaning of रेफरल कस्टमर. आप उनको नहीं बेचने सके तो क्या हुआ? He will give you some the name of 5 or 10 number of people. आप उनसे 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी का नाम लीजिए, उनसे मिलिए. अब जब उनसे मिलेंगे तो जाके बोलेंगे मुझे उनसे आपसे बात हो ना, आपका दोस्त है, आपका फलना वो है, आपका ये है, वो मुझे भेजा है आपके पास. दिस इज कॉल्ड रेफरल कस्टमर. दिस इज ऑल्सो यूजिंग एंड यूनिक मेथड ऑफ सेलिंग एनी गुड्स टू ए बायर और टू ए कस्टमर. मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 एक और इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ यूजफुल टेक्निक्स ऑफ सेल्स दैट इज वेरी यूजफुल नाउअडेज. कि कोई कस्टमर से जाके आप मिले हैं और उनसे आप सेल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप सेल्स के बारे में नॉट टू स्पीक एनी वर्ड रिगार्डिंग सेल्स. आप कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन मत दीजिए कि मैं ये कंपनी से आया हूँ, मेरा फलना ये है, मेरा प्रोडक्ट्स ये है, मेरा प्रोडक्ट्स ये ले लीजिए, ये प्रोडक्ट्स का प्राइस ये है. नॉट दैट. यू टुक टू टॉक विद हिम लाइक अ फ्रेंड. यू गो विद द पर्सन, यू आस्क हिम, यू नो अबाउट हिम कि आप कहाँ पे हैं, आपका कितने फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर क्या करते हैं, आप कहाँ पढ़ाई किया है, आप कैसे हैं, कौन सा सर्विस करते हैं. यू मिक्स विद द पीपल, यू नो अबाउट ऑल अबाउट देयर फीचर्स, उनको क्या चीज थे. उसके बाद उनको जानिए बिहेवियर को पहुंचाइए. जब तक इफ यू आर अनेबल टू नो द बिहेवियर ऑफ ए कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेलिंग यू Until and unless if you are unable to know the behavior of customer, कि उनको क्या चाहिए. Behavior has to be detected in order to sell a product. Behavior आपको जब तक पता नहीं होगा, you cannot sell. Because people are very choosy nowadays in order to purchase some goods. उनको ये लगता है कि बंदे आया मेरे ऊपर जबरदस्ती माल थोप के चला गया. ये अगर सोच लो ना तो पहला दफा ये है कि माल आपसे खरीदेगा, दूसरा बार आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा. आप एक बार तो सेल कर चुके हैं, दोबारा आपसे सेल नहीं होगा. बिकॉज यू हैव टू सेल द जनरेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इन ऑर्डर टू दैट आप उनको फोर्स मत कीजिए, उनको हेल्प करिए. सो ये जो माध्यम है सेल्स का माध्यम, और कभी भी आप देखिएगा कि आपको जो काम करने में जो मजा आता है ना, आप काम को सेल्स को ऐसा मत दोहराए कि ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये मेरा काम है. इट्स नॉट अ काम, इट्स अ पैशन. सेल्स एंड मार्केटिंग इट शुड बी टेकन टू यू एज ए पैशन. आप जब तक इसको पैशन नहीं बनाएंगे कि मुझे आदमी से बात करना है, आदमी से आलोचना करना है, प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना है, उसको समस्या को जानना है, उसको समस्या का समाधान निकालिएंगे, उसका पुराना क्या समाधान था, आपने आप उनको क्या समाधान दिया है. अब जब तक उनसे घुल मिल के बात नहीं करेंगे तब तक आप सेल तो एक बार कर देंगे लेकिन दोबारा आपका सेल जनरेट नहीं होगा. और सेल ऐसा एक माध्यम है, जितना बार आप बात करेंगे, जितना बार आप उनसे मिलेंगे, जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल और उसके साथ साथ आपका जो रिलेटिविटी जो स्किल है वो जितना आपका गहराई होगा, देन योर सेल विल बी जनरेट मोर हायर. और मैंने पहले भी आपको ये बात बताया कि इंक्रीज सेल्स इट मींस रेवेन्यू जनरेट. व्हेन द रेवेन्यू जनरेट योर ऑर्गेनाइजेशन विल गो अप एंड अप एंड अप.